You can ask if you have any query. Yes, stand up. Differentiate between there and there. Sit down, very good question. He asked what is differentiate between there and there. Very good, ये देखो. There और दूसरा वर्ड था dear. ये जो dear है ये पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन. प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. एंड दिस इज नाउन. देयर इज नाउन. दिस is used to show your indication of the location. For example, if I say there is a boy, there is a boy. In this situation, I use there, T-H-E-R-E. If I say there is my car, there is my car. In this sentence, I am showing my possession. My possession is my car. So I have to use possessive pronoun. Possessive pronoun means a noun pronoun that is showing my ownership. Car is my ownership. That's why I use there is my car. जैसे ये मेरी कार है, ये मेरी कार है, कार मेरी मिल्कियत है. यहाँ पे मैंने कहा ना मेरी, नाउन की जगह पे आता है प्रोनाउन. जहाँ प्रोनाउन आ रहा है वहां भी ये लफ्ज आएगा. जहाँ पे नाउन आ रहा है जैसे वो एक लड़का है, वो एक किताब है, तब हम ये वाला देर इस्तेमाल करेंगे. आगे समझ. नेक्स्ट. वेरी गुड. थैंक यू. वी यूज वुड बिकॉज द होल स्टोरी इज रिटन इन द पास्ट टेंस. बिकॉज दिस इज द हिस्ट्री. दिस इज द हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द पास्ट. दैट्स व्हाई वी यूज पास्ट इन दिस स्टोरी. Will is the second form of the would is second form of the will. That's why here we use would not will. Is it okay? Yes. Next. It was called mere room. Mere guma. वो जो कुआ था उसका नाम क्या था? मेरे कुआ. Where अरबी में कहते हैं कुएं को. इसे कहते हैं कुएं को. यानी कि रूमा का कुआ. मेरे रूमा. It was owned by a Jew. वो किसने मल किया था? यहूदी की. Who sold its water at a high price. जब देखो उन लोगों को पानी नहीं था मिलता. उन लोगों की तो मजबूरी थी, पानी तो उनको चाहिए था. फिर लोग पैसे दे के पानी को परचेज करते थे. और इस यहूदी के पास एक मीठे पानी का कुआं था. उसने उसकी जो उम्मीद थी, उसकी जो हवस थी, उसकी जो ग्रीड थी, वो पूरी ना हुई. उसने दूसरा हिस्सा भी हजरत उस्मान को कहा कि हम ले लें. लेकिन हजरत उस्मान ने हाँ की. उन्होंने जो मुमा की कीमत दी थी दूसरा हिस्सा भी लेके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया. आप इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछो. क्या अरे इसमें बात इसलिए यूज हुआ है कि जो पीपल है, पीपल पीपल के साथ बात भी आता है, कंडीशन है पीपल के साथ वर्ब भी आता है. इधर पीपल के साथ वर्ब इसलिए आया कि ये जो लोग हैं वो कोई कुरैश के पार्टी से था, कोई यहूदी थे, कोई मुसलमान थे. इसलिए जब डिफरेंट काइंड के लोग एक जगह मौजूद हो तो वहां भी आता है पीपल. प्लूरल आता है. क्या आता है? प्लूरल. इसलिए इसके साथ हमने पीपल के साथ वर्ब लगाया. पीपल मतलब पीपल. पीपल का सिंगुलर भी पीपल है और प्लूरल भी पीपल है. यहाँ पे प्लूरल आया, जमा आया, इसलिए हमने इसके साथ वर्ब लगाया. और यहाँ पे हैव टू इसलिए आया कि हैव टू शोज ऑब्लिगेशन. ये देखो पीपल हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. सेकंड लाइन ऑफ द पैराग्राफ पीपल हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. द वर्ड हैव टू शोज ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मीन्स फर्ज या नेसेसिटी टू. क्या नेसेसिटी? यानी कि ये काम करना होगा. मैं जैसा आप कह रहा हूँ यू हैव टू लर्न. क्या मतलब है?